और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, कमजोर सरकार वाले भ्रामक नैरेटिव का विश्लेषण। बहुमत का आंकड़ा है 272, एनडीए की सीट है 293, इंडिया गठबंधन की सीट है 234, बीजेपी की अपनी सीटें हैं 240, कांग्रेस का अपना नंबर है 99। अब मैं आपको बताता हूं क्या होती है कमजोर सरकार। 1991 में आम चुनाव था, कांग्रेस को सीटें मिली 232, नरसिम्हा राव ने अल्पमत की सरकार बनाई, बहुमत लायक नंबर जुटाने में 2 साल लगे। इसी सरकार में जेएमएम सांसद रिश्वत कांड भी हुआ था, बहुत फेमस था ये। कांग्रेस को आंकड़ों का आईना दिखाना भी जरूरी है। 2004 में कांग्रेस को मिली थी 145 सीटें और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे कि सोनिया गांधी ने इनकार किया था। 2009 में कांग्रेस को मिली थी 206 सीटें, फिर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन बीजेपी 240 सीटों के साथ अगर हम देखें तो बीजेपी को कमजोर बताने की कोशिश हो रही है, यानी बीजेपी का नंबर उस समय की कांग्रेस से काफी ज्यादा है लेकिन कमजोर बताने की कोशिश है। बड़ा सवाल क्या है, बड़ा सवाल आज के आर पार में है, क्या अस्थिर सरकार वाला झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। आज इस बड़े सवाल के साथ मैं अपने पैनलिस्ट के पास जाऊंगा, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जो